कुंभ मेले का अगला शाही स्नान 4 फरवरी को है। ठीक उसी दिन मौनी अमावस्या भी पड़ रही है। माघ महीने में आने वाली इस अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मौन व्रत धारण करके संगम में या फिर किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाने का विशेष महत्व होता है और मान्यताओं की माने तो इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का खास महत्व माना जाता है। यही नहीं, इस दिन दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन लोग स्नान करके अन्न, वस्त्र, धन, गौ और भूमि का दान करते हैं। इसका फल सतयुग के ताप के बराबर माना गया है। इतना ही नहीं, इस दिन अगर अपने पितरों का तर्पण किया जाए तो उन्हें शांति मिलती है। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि सोमवार को पड़ने वाली इस अमावस्या के लिए क्या है इसकी शुभ तिथि और क्या है शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। अमावस्या तिथि सोमवार 4 फरवरी 2019 को पड़ रही है। अमावस्या तिथि की शुभारंभ 11:52 से 3 फरवरी को ही हो जाएगा और अमावस्या तिथि की समाप्ति 2:33 पे 5 फरवरी के दिन होगा। मौनी अमावस्या की पूजा विधि के लिए ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल अमृत में बदल जाता है। इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें और फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। मौनी अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें और सूर्य को जल दें। आपको बता दें कि इस बार की मौनी अमावस्या 5 राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उन राशियों के बारे में। पहला, मेष राशि। इस राशि के जातकों का आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है और अभी तक जो भी इन्होंने मेहनत किया है उसका फल इन्हें अब जाकर मिलेगा। वही जितना ये लोग परिश्रम करेंगे उससे ज्यादा धन इन्हें प्राप्त होगा। लक्ष्मी माता की इन पर आने वाले समय में कृपा बनी रहेगी। सलाह है कि अपनी खुशी के लिए दूसरे को दिल को न दुखाएं, वरना लक्ष्मी माता आपसे नाराज भी हो सकती हैं। दूसरा, कन्या राशि। इस राशि के जातकों को खास तौर से धनराशि के योग बन रहे हैं। हो सकता है कि ये रातों रात अमीर भी बन जाए, इसलिए ध्यान रहे कि ये कोई ऐसी गलती न करें जिससे माता लक्ष्मी इनसे नाराज हो जाएं। ये राशि वाले ऐसा करके खुद को मुसीबत में डाल सकते हैं। तीसरा, सिंह राशि। इस राशि के जातकों को कम समय में ज्यादा फल मिलने वाला है, इसलिए ध्यान रहे कि अगर आप किसी कानूनी पचड़ों में फंसे हैं तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने आलस्य पर काबू रखेंगे तो आपको आने वाले समय में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। चौथा, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए माँ लक्ष्मी की खास कृपा बनी रहेगी। एक तरफ तो आपके रुके हुए सारे काम बन जाएंगे और दूसरी तरफ आपको कोई नया वाहन भी खरीदना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि बुरी चीजों पर धन खर्च न करें, वरना कुबेर महाराज और माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। पांचवा, मीन राशि। मीन राशि वालों की अगर बात करें तो इन लोगों की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं उन्हें नौकरी भी मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ पैसों से संबंधित सभी मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी काम को करने में जल्दबाजी न करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।